अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू व्लॉग में। यार काफी दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बल्कि काफी दिन नहीं, 3-4 दिन ही हुए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी है वो अप डाउन चल रही है, और आपके भाई की खुराक भी थोड़ी सी ही है, पता नहीं कमजोरी सी हुई है, चक्कर आते हैं, ऐसे खड़ा होता हूँ तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अचानक से ऐसे इधर हीट सी स्टार्ट हो जाती है, घबराहट स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, बस अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपनी ऐसी ही सिचुएशन में रिकॉर्डिंग भी अपनी कर ली है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा भी नहीं पाया क्योंकि अचानक मुझे कॉल आई फरूख भाई की। आपको पता है स्टूडियो सभी बिजी हैं, तो फरूख भाई की कॉल है कि भाई आप आ जाओ और अभी आकर रिकॉर्डिंग कर लो। तो सुबह का तकरीबन 6 बजे का टाइम था और तबीयत मेरी तब भी अपसेट ही थी और अभी भी है, लेकिन मैं फिर भी मैंने सोचा कि यार अभी टाइम है, 2 दिन बाद ना मिले और मुहर्रम में तो वैसे 3-4 दिन अभी रह गए हैं, अभी वीडियो भी शूट होगा, मिक्स मास्टरिंग भी होगी, तो मैंने फिर ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑडियो कर ली है, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई है, तबीयत खराब में भी मौला ने इज्जत रख ली है। और अभी भी मैं स्टूडियो ही जाने लगा हूँ, अब्बू को मैंने सुनाया है मास्टर, और अब्बू कहते हैं कि इधर से हम उसे ना आगे पीछे जो भी लाइन लगनी है, ऊपर जो या हुसैन के पोर्शन है वो आगे पीछे जहाँ लगने हैं, तो हम इधर से फरूख भाई के पास ही लगवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ कराची में अंकल इशफाक साहब वहाँ से मास्टर करके भेजते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन आगे लगना था तो ये वाला पीछे लगना था, तो इसलिए फिर यहाँ से मैं और अब्बू हम जुड़वा कर कलाम भेजेंगे वहाँ फाइल, फिर वहाँ वो आज ही मास्टर करके हमें भेज देंगे। तो कल इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि कल का टाइम ले लूँ वीडियो का, अगर उमैर भाई के पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह कल वीडियो भी अपना करेंगे, वो भी आपको व्लॉग में दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा व्लॉग बनाने की, पक्का प्रॉमिस नहीं मैं कर रहा क्योंकि यार तबीयत आपके भाई की ठीक नहीं चल रही। तो अभी मैंने और अब्बू ने जाना है हमने स्टूडियो, तो उससे पहले मैंने सोचा कि यार ज़रा थोड़ा जूस वगैरह कुछ पी लूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए अंदर, तो आ जाए जूस पीने चलते हैं, उसके बाद फिर अब्बू के साथ स्टूडियो निकलेंगे। निकलने लगे हैं जी अभी हम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी आ गए हैं हम इधर महर वालों के, अभी ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं मैं और अब्बू, एक और बंदा भी है साथ, आप उसे देखकर यकीनन बहुत खुश होंगे। तो भी ऑर्डर दे दिया, वो कहते गाड़ी में पहुँचा देते हैं। क्या करने आई हो साथ? रिकॉर्डिंग करने। रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग करनी है आप? सोज़ो सलाम करना है आपने। वाह माशाल्लाह। जी हम पहुंच गए हैं, बस स्टूडियो के अंदर जाने लगे हैं। वीडियो से आज इधर थोड़ा एक रहने से करने को प्रेजेंट करिए। हां जी पहली बार देखा है स्टूडियो? हां जी। सीधे हो गए? सीधे हो गए। और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो उधर अब्बू के पास बैठ जाओ। मगर जब 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत देर बहुत दे। अभी मैं और अब्बू इसमें क्वायर्स करने लगे हैं, क्वायर्स ऐड करनी है। क्या मैं तो वो कर रही थी, यानी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप जूस हजम कर रही थी। चलो अच्छा किया, देख लिया आपने रिकॉर्डिंग कैसे होती, अच्छा लगा। आपका भी कलाम करवा देना है, ठीक है?
ठीक है, आपने भी सौ सलाम करना है फिर, ठीक है, ओके। बैठ जाओ उधर काके, अबू के पास बैठ जाओ। तेरा बाबा सीना बाबा क्या मेरा जीना, चली आ सकीना तुम हो कहाँ, तीन बारी ला दो, तीसरे फेड आउट कर दो। नहीं विच ही उठना, उन्हें विच ही उठना। बाबा फरूक भाई ने कैसा किया, फरूक अंकल ने कैसा किया, अच्छा किया। भारी पत्थर पड़े हैं, चली आ सकीना तुम हो कहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम अब्बास बहुत अच्छा पढ़ा है सौदो सलाम, मौला आपको और अच्छा करे इंशाअल्लाह। जनाब पाक सैयदा आपको और कामयाबियां अता फरमाए, अपना कर्म रखे मालिक इलाही आमीन। मौला का शाबाश। हर सू जब रो कहां जी। फरूक भाई जी ठीक हो गया माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा सौदो सलाम माशाल्लाह। मोहसिन अब्बास ने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है, हैदर खुर्शी साहब ने लिखा भी बहुत अच्छा, जनाबे छोटी शहजादी का कलाम है दिल को पकड़ता है। हाँ बहुत मसायब है बहुत मसायब है, तो सब लोग इंशाल्लाह सुनेंगे, बड़ा गिरिया होगा मौला के सदके में। मौला
ड्यूटियां कबूल और मंजूर फरमाएं जल्द अपलोड करेंगे इंशाल्लाह इसको। मेरे चैनल पे अपलोड होगा मोहसिन अब्बास का जो पढ़ा हुआ है। अल्लाह माला खैर करे। दोबारा भी आना है अबू के साथ? नींद आई है। आना है दोबारा? नींद आई है। अबू को कहना आपकी रिकॉर्डिंग करवाएं। ठीक है, सो सलाम की। ओके ओके, नींद आई? चलो घर जाके सो जाना। ठीक है, आपका भाई आपसे इतना प्यार करता है, आप सबसे। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि भाई आपने रिकॉर्डिंग के हवाले से हमें बहुत कुछ दिखा दिया है। यार आप सबका थैंक यू सो मच। बस यही होता है, जिसने मेहनत की हो या जिसने वो सारा प्रोसेस जो है वो आपको दिखाया हो, तो इंसान का बनता है कि उसे अप्रिशिएट करना। तो मेरे कुछ भाइयों ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। आपके साथ मैं एक और चीज शेयर करने लगा हूँ। अंकल इशफाक साहब जो शादाब स्टूडियो वाले हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे उन्हें। माशाल्लाह जैसे हसन सादिक साहब एक हैं अपने काम के, वैसे ही उस्ताद इशफाक अहमद साहब भी सर जी बहुत बहुत कमाल लोग हैं और अपने काम के एक ही हैं वो भी। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप व्लॉग में यूज़ करना, आप उतनी देर तक वो वीडियोज़ देखें और आपको ये भी पता चलेगा उसमें कि मास्टरिंग कैसे की जाती है। उसमें वो मास्टरिंग के बारे में दिखा रहे हैं, मास्टरिंग कर रहे हैं अबू के नोहे की। आप सब लोग वो देखें और मैं घर जाके मिलता हूँ। ये मुझे लाइन अप करके दे रहे हैं बेटा मेरा, फिर मैं उसके बाद मिक्स करूंगा। जी मैं घर आ गया हूँ और आई होप आप सबको ये क्लिप्स भी अच्छे लगे होंगे। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सबने बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली अब्बू की रूटीन, अपनी रूटीन, आप कॉमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह अगर आपने कहा तो। और मेरा इंस्टाग्राम है mohsinabbas3553, इसे भी जरूर फॉलो करें, आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अल्लाह निगेबान, खुदा हाफिज़।